सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो हमारी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उस कार्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे विद्यालयों में वर्तमान में संचालित किया जा रहा है, बालवाटिका कार्यक्रम के नाम से। 12 सप्ताह की एक कार्य योजना विभाग के द्वारा प्रेषित की गई है, जिसका संबंधित पत्र 31 मार्च को राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा जारी किया गया था। उसके परिप्रेक्ष्य में उसका अनुपालन करते हुए हम सब अपने विद्यालयों के अंदर कक्षा 1 के बच्चों के साथ उक्त कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। साथियों की जो एक परीक्षा जारी की जा रही है, उसके आधार पर और उक्त पत्र से संज्ञानित होकर के हम थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, निपुण भारत के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम जो 5 से 6 वर्ष की आयु होती है, उस 1 वर्ष में बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा व अंकीय दक्षता के पूर्व प्रतियों को सीख सके। चूँकि कोविड-19 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र विगत 2 वर्षों से लगभग बंद ही रहे हैं, इसलिए उक्त शैक्षणिक और विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह 3 माह अर्थात 12 सप्ताह का कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय हमारे विभाग के द्वारा लिया गया है। अब सबसे जरूरी हो जाता है कि विद्यालय के अंदर इस कार्यक्रम को संचालित करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं साथियों, 31 मार्च 2022 के राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उससे संज्ञानित होकर के इस 3 माह के कार्यक्रम की तैयारी हेतु हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों को लेकर के, और या फिर साथियों के द्वारा कुछ प्रश्न भी किए जा रहे थे, उन सब चीज़ों को संकलित करते हुए ये छोटी सी एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। इन बिंदुओं पर चर्चा करते समय मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो साथी पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली समस्त खास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के जो हमने बिंदु क्रम से संकलित किए हैं, उनमें सबसे पहले बिंदु आता है हमारा, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को ही कक्षा 1 के नोडल के रूप में नामित करें। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यही है। दूसरी चीज़, हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं, वो इस संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी स्वयं समझ लें, अच्छी तरह से पूरे कार्यक्रम से संज्ञानित हो लें, क्योंकि विद्यालय स्तर पर हमारे प्रधान अध्यापकों को ही अपने विद्यालय के अंदर कक्षा 1 के इस कार्यक्रम को स्वयं मॉनिटरिंग करना है, उसको भलीभांति संचालित कराने की जिम्मेदारी भी हमारे प्रधान अध्यापक की होगी। तीसरी बात, विभाग द्वारा जो हमें सामग्री प्रेषित की गई है, जैसे हमारा साप्ताहिक कैलेंडर है 12 सप्ताह का, दूसरा हमारी प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधि, तीसरा हमारे आकलन परिपत्र, ये सॉफ्ट कॉपी में हमें विभाग ने उपलब्ध कराया है, तो इनको हार्ड कॉपी में निकलवा करके हमारे प्रधान अध्यापक इस समस्त सामग्री को हमारे नोडल शिक्षक को दे दें, जिससे कि वो उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करता रहे। उसके बाद इसके अलावा भी, क्योंकि हमारे जो नोडल शिक्षक हैं, वो इसके अलावा भी कुछ गतिविधियां अपनी तरफ से प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित अपनी समझ से या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी कुछ गतिविधियां करा सकते हैं। उसके लिए उनको TLM निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिएगी, जैसे चार्ट पेपर, A4 साइज के पेपर, मार्कर, रबर, पेंसिल, स्केल आदि जो भी आवश्यक सामान उन टीचर्स को चाहिएगा, वो भी हमारे प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो उनको उपलब्ध कराए। उसके बाद नोडल शिक्षक हमारे इस कार्यक्रम के शुरुआत में, अर्थात ये हमारा 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के शुरू में चहक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण की गतिविधि का आयोजन करेंगे। प्रथम चरण की गतिविधि क्या होगी, इसमें हमारे जो नोडल शिक्षक हैं वो
प्रधान अध्यापक के सहयोग से कक्षा एक में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों और उस गांव के या उस बस्ती के शिक्षित युवाओं को जोड़ते हुए, उनको हमें शिशु मित्र के रूप में जोड़ना है, उनको सबकी एक संयुक्त बैठक आयोजित करेंगे। उस बैठक में अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे और इस समस्त कार्यक्रम की जानकारी उन लोगों को देंगे। साथ ही साथ अभिभावकों को समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में भी पूछने के लिए कहेंगे कि घर में भी आप समय समय पर अपने बच्चों से पूछें कि आज क्या गतिविधि कराई है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आज मैडम ने या सर ने कराया है, इन गतिविधियों पर बात करेंगे। तो हमारी जो चहक कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बैठक होगी उसका ये एजेंडा रहेगा। साथियों, चहक कार्यक्रम की जब प्रथम बैठक आप कर लेंगे तो उसके बाद हमारे प्रथम सप्ताह से 25 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसमें क्या करना है, हमारे जो नोडल शिक्षक हैं वो पहले दो सप्ताह में कक्षा एक के समस्त बच्चों का एक निर्धारित आकलन परपत्र जो विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उस निर्धारित आकलन परपत्र पर प्रत्येक बच्चे का आकलन करेंगे। आकलन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बच्चे को महसूस ना हो, बच्चे को एक एक बुला करके टेबल पर हमें आकलन नहीं कराना है। दो सप्ताह का समय इस वजह से दिया है क्योंकि इस दो सप्ताह के अंदर अंदर हम अपने प्रत्येक बच्चे के व्यवहार को समझ जाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन उनके साथ हम नित नई नई गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो बच्चे के व्यवहार को देखते हुए बच्चे के आकलन प्रपत्र को हम तैयार कर लेंगे, इन दो सप्ताह के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे इस कार्य को। आकलन करने से संबंधित एक छोटी सी वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि आकलन करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक दिन बच्चे के साथ जो भी गतिविधियां हम आयोजित कर रहे हैं उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप जरूर बनानी है, अच्छे अच्छे फोटोज जरूर लेने हैं और उन सबको संकलित करते हुए अपने विद्यालय स्तर पर अपने पास रिकॉर्ड के रूप में जरूर रखना है और उनमें से अच्छी अच्छी क्लिपिंग या अच्छी अच्छी फोटोज प्रतिदिन हमारे जो विभागीय समूह हैं उनमें भी हमें साझा करना है। साथियों, ये काम करते समय हमें एक सुंदर अभिलेखीकरण भी इस कार्यक्रम का तैयार करना है, एक पंजिका बनानी है, उस पंजिका में प्रतिदिन की जा रही गतिविधियों का विधिवत आप उसमें उल्लेख करें और उसके अंदर अच्छा सा उसको डेकोरेट करें। जिस तरह से आपने ई पाठशाला की पंजिकाएं बनाई थी उसी प्रकार से इस 12 सप्ताह के कार्यक्रम का प्रतिदिन की जाने वाली कक्षा के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो आपने काम कराया है, उसका अभिलेखीकरण भी अवश्य करेंगे। नेक्स्ट, 12 सप्ताह की गतिविधियाँ जब हमारी समाप्त हो जाएंगी उसके बाद हमारे प्रत्येक बच्चे का दूसरा आकलन होगा और ये दूसरा आकलन का जो कार्यक्रम है और ये हमारा 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के मध्य हमें करना है। उसके बाद साथ ही साथ हमें जब हम आकलन कंप्लीट कर लेंगे तो चहक के द्वितीय चरण की गतिविधियों का आयोजन करेंगे। अब चहक की दूसरी बैठक, चहक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों की दूसरी बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में हमारा जो एजेंडा रहेगा उसमें 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के जब संपन्न होने के पश्चात ये बैठक आयोजित की जाएगी तो अभिभावकों को बुला करके उनके सामने बच्चों द्वारा जो हमने सिखाया है, कविता पाठ, कहानी, रोल प्ले, जो भी बच्चों से करवाया है, उनके बच्चों के कौशलों का प्रदर्शन उन अभिभावकों के सामने कराना है और बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए, उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनको पारितोषिक देने का कार्य भी हमें करना है। तो ये हमारी चहक कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरी बैठक होगी इस कार्यक्रम की समाप्ति पर, जब पूरे 12 सप्ताह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम हमें अपने प्रत्येक विद्यालय में संचालित करना है। इन समस्त बिंदुओं को, समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम हमारा 31 मार्च का जो पत्र है राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा प्रेषित किया गया उसके संदर्भ में हमें प्रत्येक विद्यालय में संचालित करना है। उक्त के संदर्भ में साथियों, हमारे प्रत्येक लेवल पर सबके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं,
सब इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, हमें भी अपने विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से लेकर के संचालित कराना है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में जो बातें मैंने आपके साथ चर्चा की है, आपकी जो समझ इस कार्यक्रम के प्रति बनाने की मैंने कोशिश की है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।